Krishna Bala Ram, Krishna Bala Ram, Jai Krishna Bala Ram, Jai Krishna Bala Ram, Krishna Bala Ram, Krishna Bala Ram, Jai Krishna Bala Ram, Jai Goranita, Jai Goranita, Jai Goranita, Jai Goranitai, 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 Jai Goranitai. Jai. Jai. Hari Hari Bol. Bhajan Sadeva,
Krishna Vishnu Padaya Udare Srimad Devadri Vedanta Swami
Hare Krishna, Hare
Thank you.
कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः Oh,
Hare Krishna,
सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रति देवी सत्यवते नमो नमः कृष्ण प्रेम प्रदायिनी वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा आश्रम की जय चितो दंपर्णमार्जनम Padre
6. हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्र हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? श्री शिक्षाष्टकम की जय। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म कर्मकांड के समान समझना। नवा, ऐ श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आवाज महिमा श्रवण करने पर भी बौद्धिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबकी वांछा को पूर्ण करने में कल्प तरु के समान है, दया के सागर है तथा पतितों को उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्प तरु वश्च कृपा सिंधु वेच पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय 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 जय। उस समय शिला गोपाल मुंबई में थे जहां जुहू में जमीन प्राप्त करने का उनका प्रयत्न उलझनों में फंस गया था। जमीन का मालिक अब जायदाद बेचने से मुकर रहा था और भक्तों को वहां से निकालने की कोशिश में था। यद्यपि शिला गोपाल उस जमीन पर राधा कृष्ण के शिव विग्रहों की स्थापना कर चुके थे, यद्यपि इन बातों से प्रभुपाद चिंतित थे, तथापि अपना प्रतिदिन का कार्यकलाप उन्होंने जारी रखा। वे प्रातः भ्रमण के लिए जाते थे, द नेटवर्क ऑफ डिवोशन से संध्या समय व्याख्यान देते थे, संसार के अपने भिन्न केंद्रों के पत्र व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि जनवरी में मुंबई में एक पंडाल कार्यक्रम करने की योजना बना रहे थे। जब प्रभुपाद को संयुक्त राज्य में लॉस एंजलस और अन्य स्थानों से पुस्तक वितरण के संबंध में समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। यद्यपि वे संसार भर के कई मामलों में उलझे थे, फिर भी वे उन सबको अलग रखकर अमेरिकाएं पुस्तक वितरण की जोरदार सफलता की खुशी में डूब गए। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलाया और पत्र लिखवाए। प्रिय रामेश्वर, तुम्हारा 27 दिसंबर 1972 का पत्र मिला और 22 से 24 दिसंबर 1972 के इन 3 दिनों में लिखी पुस्तकों की संख्या जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस पर कठिनाई से विश्वास होता है कि एक मंदिर के द्वारा 3 दिनों में 17,000 से अधिक पुस्तकें बेची जा सकी हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आपके देश के लोग कृष्ण धारणामृत आंदोलन के प्रति कुछ कुछ गंभीर बनते जा रहे हैं, अन्यथा वे हमारी पुस्तकें क्यों खरीदते? किंतु वे यह देख सकते हैं कि हमारे बालक और बालिकाएं जो भक्त हैं कृष्ण धारणामृत संदेश को वितरित करने में कितने कर्तव्य निष्ठ तथा गंभीर है। वे इन्हें देखकर तुरंत प्रभावित होते हैं और इसीलिए पुस्तकें खरीदते हैं। संसार में यह अनुपम है, अतः मैं लॉस एंजलस और संसार भर के अपने समस्त बालकों और बालिकाओं से अत्यंत प्रसन्न हूँ जो हमारे दिव्य साहित्य के इस अद्वितीय गुण को समझते और उसकी प्रशंसा करते हैं और समस्त परिस्थितियों और कठिनाइयों के बावजूद स्वइच्छा से पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते हैं।
केवल इसी एक प्रयत्न के बल पर उनका अपने घर परमधाम जाना सुनिश्चित है। उस दिन प्रभुपाद ने करंदर को एक पत्र लिखाया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारा इतना सारा साहित्य बांट पाना संभव हो सकेगा, तथा मैं समझता हूँ कि यह केवल कृष्ण की कृपा है जो उनके नाम पर तुम लोगों द्वारा निष्ठापूर्ण किए गए कार्य के कारण प्राप्त हुई है। वस्तुतः यह मेरी सफलता का रहस्य है, इसलिए नहीं कि स्वयं मैंने कोई आश्चर्यजनक कार्य किया है, वरन इसलिए कि जो मेरी सहायता कर रहे हैं वे सत्यनिष्ठ हैं, उन्होंने अपना कार्य किया है। यही सारे संसार में जहाँ अन्य लोग असफल रहे हैं हमारी सफलता का कारण है। धूर्तता और झांसा पट्टी के इस युग में थोड़ी भी कर्तव्य निष्ठा बहुत कठिन चीज है, किंतु मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण ने तुम जैसे अच्छे बालकों और बालिकाओं को मेरे पास भेज दिया है जो निष्ठापूर्ण कार्य कर रहे हैं। कृपया उन सबको मेरी आंतरिक सराहना पहुंचाना। जय जय।